जब इंसान अंदर से मर जाता है वो हद से ज़्यादा खुश अहलाक हो जाता है। मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। हकीकी कामयाबी बगैर मकसद के कभी भी हासिल नहीं होती। जिस हद तक हो सके जंगो जदल से गुरेज करो। 99% नाकामियाँ उन लोगों के हिस्से में आती हैं जिन्हें उजर पेश करने की आदत होती है। गलतियाँ इस बात का सबूत हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो। अपने दुश्मन को हमेशा माफ़ कर दो, ये उसको सबसे ज़्यादा अजियत देगी। अगर हमसे गलती हो जाए तो इबलीस की तरह दलेर नहीं होना चाहिए बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इबलीस नहीं। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी उतनी नींद कम होती जाएगी। कभी ये मत सोचो कि तुम कर पाओगे, हमेशा सोचो तुम कर सकते हो और तुम करोगे। अपनी सोच बदलिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने क्या बोया है। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। एक गैर ज़रूरी बहस हमारे किसी भी करीबी दोस्त को हमसे जुदा कर सकती है। सिर्फ एक शख्स ही तुम्हें कामयाब कर सकता है, वो हो तुम खुद। आप खुद को दयानादार बनाने के बाद यकीन कर ले कि दुनिया में एक बेईमान की कमी हो गई है। जो कुंजी इस्तेमाल की जाती है वो साफ और चमकदार रहती है। तुम्हारा दिमाग एक पैराशूट की मानिंद है, अगर तुम इसको खोलोगे नहीं तो कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको कामयाबी का तरीका तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको नाकामी का तरीका बता सकता हूँ। वो है सबको खुश करने की कोशिश करें।